Ghanis. That's Dilza. That's Bhumika. Come, can we do some pictures? Take it out. Thank you, sir. राहुल जी आपका स्वागत है यहाँ पे ओशियानामा वुमरेड इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट्स फेस्टिवल यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है जहाँ पे वर्ल्ड की हर तरह की बेहतरीन फिल्में जो वुमरेड को दर्शाई जाती है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ये बहुत अच्छी बात है ओशियन से मैं जुड़ा हूँ मेरे दोस्त वहाँ काम करते हैं एवं तुल्ली जी भी मेरे दोस्त है और ये बहुत अच्छी बात है अलग सिनेमा दुनिया का जो दिखा रहे हैं यहाँ और सभी को मौका मिलता है पिक्चर देखने का सिनेमा देखने का फिल्में देखने का जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलेगा आपको जो मौका यहाँ मिल रहा है नेविल तुल्ली की एक अपनी सोच अपनी मान्यता है जहाँ पे इस तरह की फिल्में जो वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट होती है वो लोगों तक आवाम तक जो है बिल्कुल मुफ्त में पहुँचाया जाए ये उनकी इस सोच से आप कितना वाकिफ रखते हैं देखिए ये सोच बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई फिल्में जो होती है रोज़ बॉक्स ऑफिस में नहीं आती कई फिल्में जो आप मिस कर जाते हो कई फिल्में उतनी रिलीज बड़ी स्केल पे नहीं हो पाती और लोगों को एक अच्छा सिनेमा दिखाना ये ज़रूरी है सिनेमा ज़रूरी नहीं कि 100 करोड़ का हो सिनेमा कोई भी हो हर एक को एक अपना एक जैसे वो आर्ट उनकी एक आर्ट ऑक्शन हाउस है और वो एक आर्ट को एग्जिबिट करते हैं तो सिनेमा को भी एक आर्ट है और उन्होंने उस तरह उन्होंने उसको एग्जिबिट किया है तो एक काबिल तारीफ है जी और आज प्रकाश झा की फिल्म जय गंगा जल का भी आज काफ़ी प्रीमियर हो रहा है साहब हाँ। इसमें शामिल है आपको कैसा लगा सर मैं बहुत सारे पीछे देखी नहीं मैंने काफ़ी इसकी प्रमोशन देखे और ज़रूर देखना है कि कैसे वो यहाँ पुलिस वालों को ट्रेन करके वहाँ FBI में ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो इंटरेस्टिंग हुआ पिक्चर देखना है काफ़ी सुना है पिक्चर काफ़ी टाइम से सुना है पिक्चर के बारे में तो आज मैं बहुत खुश हूँ पिक्चर देखने वाला हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू को नहीं देखना चाहिए तो सेंसर बोर्ड नहीं होने के और होने के बाद भी तो ऐसी चीज तो आपको क्या लगता है आप अंदर आके देखेंगे आपको लगता है आप भीड़ देखेंगे बाहर हमारी भूख शरीर की भी होती है हमारी भूख बुद्धि की भी होती है और हमारी भूख आत्मा की भी होती है जो इंटेलेक्चुअल भूख जिसको कहते हैं जानने की समझने की पहचानने की बोलने की एक्सप्रेशन की उसका आकार बहुत बड़ा है शारीरिक भूख किसी भी तरह के खाना खाने से मिट जाती है बहुत बहुत बड़ा है एक्शन के लिए आप कुछ कर सकते हैं कुछ ध्यान कर सकते हैं मेडिटेशन कर सकते हैं लेकिन हमेशा इंटेलेक्ट जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए तरह तरह की चीजें होती है 20-25 कितनी कमाई है तो ये ऐसा नहीं है कि हमें ये शक्ति नहीं है क्या अच्छा है और क्या बुरा है हम पहचान हमें पहचानते आप हमें हम पर छोड़ दीजिए सिर्फ ये होना चाहिए Because you wanted to also open the film festivals at the same time you want the box office.
Then I like to clear out a few things. I know in terms of substance you are right. The society. Right from the beginning, I have always tried to know, as to what is happening, and if it is happening, why it is happening, and if it is happening, what is the impact it is going to have. Anything that happens in the society, because of whatever. Like let's say, for example, right now these days we reality, but they both have different grammars. I think it is almost those who have made it in April, and you cannot bother whether this is part of it. Maybe the movie was still like far, far away. If he was there at that point of time, would have probably got to release that movie. But anyway. I didn't dress for all this. Prakash is coming. Prakash is there. He's there also. The oh, okay. Dolly, you have a swagat. ओशिनामा वुमरेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड आर्ट फेस्टिवल यहाँ पे एक तरीके के उन्होंने यहाँ पे शुरू किया हुआ है रिवर्डी सिनेमा में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे वर्ल्ड क्लास की फिल्में जो वुमरेड से रिलीज हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और अब सिर्फ नेवल तुली कर सकते हैं ऐसा, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। पैसे के लिए नहीं, वो सिर्फ शौक के लिए कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलता है। हम लोग बहुत से लोग आते हैं मगर किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, मगर इंशाल्लाह एक दिन तो ज़रूरी उनको सफलता मिलेगी। निवी कुली की अपनी खुद की मान्यता है, उनकी अपनी खुद एक सोच है जहाँ पे वर्ल्ड सिनेमा जो लोगों तक जो है बिल्कुल मुफ्त में पहुँचाई जाए और वो कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है हम लोग को जो अच्छा, ये पूरे देश को तो नहीं पसंद आता या ऑडियंस वैसी नहीं है, मगर जो सिलेक्टिव ऑडियंस है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और जिन जिन को चाहिए वो लोग आते हैं। तभी तो नेवल टुली हर हफ्ते, हर महीने, हर साल कुछ नया लेके आ रहे हैं और कर रहे हैं। तो और बस यही दुआ है कि ये चलता रहे। और वैसे कि आज प्रकाश झा की फिल्म जय गंगा जल जो वाकई वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, एक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाबा मैं क्योंकि ये वुमेन्स वीक चल रहा है, दिन में 2-3 मीटिंग्स अटेंड करती हूँ और इसीलिए मैं ये देखने भी आई हूँ। मुझे इसके बारे में कोई ख़ास पता नहीं है, वैसे टीवी पे ये चल रहा था और इस साल ख़ास बहुत जोश है इस विषय पर। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, कल मैं CII में टॉक कर रही हूँ, उस परसों मैंने YWCA में किया और एक ही नहीं एक कितने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस शुरू हुई हैं, जैसे फेमिनिस्ट रानी शुरू की गई है, एक शी द पीपल पोर्टल शुरू किया गया है। तो सब लोग इस बात पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि देखिए पेपर में, अखबारों में आप लोग कैसी कैसी खबरें उठ रहे हैं और आप लोग को पहचानना है कि औरत की शक्ति अब बहुत बढ़ गई है और उनको भी आदर देना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर जी आप खुद भी परसों से जो है वुमेन एम्पावरमेंट से के विषय में आप काफ़ी स्ट्रगल करी, काफ़ी आपका योगदान रहा है, आपकी इसी कई सारी मूवमेंट्स आप जुड़ी रही है, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपको कहाँ पर आई हैं इसको एक तरीके के फैलाने के लिए? चैलेंजेस तो ये है कि कोई सेक्स के बारे में बात नहीं करता। सेक्स एजुकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है मगर कोई उसकी कोई भी कोई एजुकेशनल सिस्टम, कोई गवर्नमेंट सिस्टम, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती। मगर इसी मारे तो ये खौफ है लोगों को के, और अटैक करते हैं, छूते हैं, मारते हैं, मैंने ये बातें ठीक नहीं है। रिस्पेक्ट चाहिए हम औरतों को और मर्दों को सिखाना चाहिए।
मगर ये घर से आता है फैमिली से आता है यू नो मैंने स्कूल में बिठा के नहीं बता सकते ऐसी मैंने मगर अब अब मेरे जो लाडली लाइफ मीडिया अवार्ड्स हो रहे हैं उसमें कितने लोगों ने मेंस्ट्रुएशन पे लिखा है सेक्स एजुकेशन पे लिखा है और ये टच पे लिखा है और बहुत अच्छी अच्छी लोगों का दिमाग काफ़ी खुल गया है इस बात पे तो अब वो बात करने के लिए तैयार हैं तो ये ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता समाज में बदलाव आएगा उम्मीद करते हैं ये सबकी कोशिशें जो है कामयाबी हासिल हो सबको थैंक यू सो मच मैम थैंक यू माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मैंने बहुत सही कहा Straightforward fellow too.